हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2013 साइंस पेपर सेकंड में जो बायोलॉजी पोर्शन है उससे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन था समस्त सजीव कोशिकाओं में सुगठित केंद्रक होता है, गलत बात है ये। समस्त जो जंतु एवं पादप दोनों की कोशिकाओं में सुस्पष्ट कोशिका भित्ति होती है, यह भी गलत बात है। एसिम केंद्र की प्रोकैरियोटिक जीवों में कलायुक्त कोशिकाओं का अभाव होता है, तो ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका चक्र के विभिन्न प्रक्रमों का सही क्रम कौन सा है। तो देखिए, जीवन अवस्था होती है पहले, उसके बाद एस, उसके बाद G2 स्टेज और लास्ट में M स्टेज। नेक्स्ट है, एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट समूह तथा शर्करा अणु सह लगन क्या कहलाता है, या फिर ये किसके बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो देखिए, फॉस्फोडाई एस्टर बंध के द्वारा ये जुड़े रहते हैं। क्वेश्चन फोर्थ है कि एक पादप पदार्थ के अनुप्रस्थ परिच्छेद में निम्नलिखित शारीरिकीय लक्षण दिखाई देते हैं कि अर्ध चरम दृढ़ोत्की है, सवहन पुल संयुक्त एवर्धी भरण उत्तक में बिखरे हुए हैं, फ्लोयम मृदुतक अनुपस्थित है, तो इस पदार्थ की पहचान आप कैसे करेंगे कि ये एक द्विबीजपत्री है, द्विबीजपत्री है। तो देखिए, ये है हमारा एक बीजपत्री तने के रूप में। फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, फर्स्ट है कि जो ब्रेसिकेसी, तो ब्रेसिकेसी ये होता है पुंकेसर चतुर्दीर्घी। मालवीसी ये होता है पराग कोष एक कोष्ठ की। और जो लेग्यूमिनेसी है, लेग्यूमिनेसी ये होता है जायांग एक अंडपी। ऐसे ही जो सोलेनेसी है ये होता है बीजांडसन, फूला हुआ होता है इसमें। और लिली एसी ये होता है पुष्प तीत्रयी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कार्य वाष्पो उत्सर्जन का नहीं है। तो देखिए, जल का उद्ग्रहण का काम है, खनिज पदार्थों के उद्ग्रहण का काम है, पर्णों के शीतलन का काम भी है, लेकिन जो खनिज पदार्थों के उत्सर्जन का काम वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता, लोहा है। लोहा क्या है, एक जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, यानी कि सूक्ष्म पोषक है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट कि पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड अभिक्रिया का केंद्र होता है। तो देखिए, इसमें जो हमारा 700 फर्स्ट में 700 और सेकंड में 680, तो देखिए ये इस ऑप्शन में है, तो पी 700 और पी 680। क्रेब्स चक्र के दौरान बनने वाले मध्यवर्ती में एकमात्र 5C कार्बनिक अम्ल है। तो देखिए, ये हमारा होता है अल्फा कीटोग्लुटेरिक अम्ल, एंजाइम डिहाइड्रेज का सह एंजाइम है। तो देखिए, नेडप होता है, फैड होता है और नेड होता है, तो यानी कि ऑल ऑफ द अबव। सजीव विभेदित कोशिकाएं जिनमें विभेदन की क्षमता नष्ट हो चुकी है, कुछ परिस्थितियों में विभाजन की क्षमता को पुनः प्राप्त कर लेती हैं, इस परिघटना को हम क्या कहते हैं। तो ये होता है नीर विभेदन, यानी कि निर्विभेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे पौधे जिनमें पुष्पन के लिए सुनिश्चित क्रांतिक दीप्तिकाल से दीर्घ अवधि का दीर्घकाल आवश्यक हो कहलाते हैं, तो दीर्घ दिवसीय पादप यानी कि लॉन्ग डे प्लांट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 13, इसमें हमें सुमेलित करना है कि जो विद्युत अवक्षेपित्र है वो कणिकीय पदार्थ है, और सीएस जो सीज है वो इसको मिला सकते हैं हम
ओजोन अवक्षय से, स्वच्छता पूरक ये होगा सेकंड, नगर पालिका ठोस अवशिष्ट, सुपोषण छीलों का काल प्रभावन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइकेन इसमें कवकांश का कार्य है, तो देखिए ये खनिज पोषकों का अवशोषण करता है और इसको सुरक्षा का काम करता है और जल के अवशोषण का काम भी करता है। तो उपयुक्त सभी विश्व उष्मीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैसों में सर्वाधिक योगदान करता है? तो जो हमारा CO2 है, देखो CH4 भी होती है इसमें, CO2 भी होता है, CFC और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी होते हैं, लेकिन जो सर्वाधिक योगदान है 60% वो होता है CO2 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हृदय पेशीय तंतु होते हैं, तो ये होते हैं रेखित, और रेखित है लेकिन अनैच्छित। हमारे शरीर में कीटाणु के विरुद्ध एंटीबॉडीज का निर्माण कौन कर रहा है? तो थाइमस में जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो करते हैं। पिट्यूटरी की अग्रपाली में कौन से हार्मोन स्त्रावित होते हैं? तो देखिए LH हार्मोन होगा, FSH होगा और वृद्धि हार्मोन होगा। नेक्स्ट है, मेंढक का शिरा तंत्र स्तनियों के शिरा तंत्र से निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के द्वारा भिन्न होता है? तो ये होता है वक्र निवाहिका तंत्र के द्वारा। मानव नेत्र की दृष्टि पटल का वह क्षेत्र जहां से दृक् तंत्रिका निकलती है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट। हिमोजोइन नामक अविषालु पदार्थ जो मलेरिया से पीड़ित मनुष्य में ठिठुरन तथा आवर्ती उच्च ज्वर के लिए उत्तरदायी है को निर्मुक्त किया जाता है? तो यह है लाल रुधिर कणिकाओं के फटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिल चट्टे के मुखांग होते हैं कृतक एवं चूर्णक प्रकार के। प्राकृतिक वरण के सिद्धांत के अनुसार कौन सी बात इसमें हमारी ठीक है? तो देखिए अनुवांशिक विभिन्नताएं जीन कोश में परिवर्तन उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट, उद्विकास में वातावरण की भूमिका होती है, और थर्ड है प्राकृतिक वरण जीवों में उत्पन्न अनुकूल एवं उपयोगी विभिन्नताओं पर प्रभाव डालता है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा थर्ड। नेक्स्ट देखिए, विस्थानिक जाति उद्भवन का कारण है कि जो समष्टियों का भौगोलिक पृथक्करण यानी कि ज्योग्राफिकल सेपरेशन। नेक्स्ट, जो ड्रोसोफिला है फल मक्खी में लाल नेत्र सफेद नेत्रों पर प्रभावी होते हैं, यदि एक लाल नेत्र वाला संयुग्मजी प्राणी एक सफेद नेत्र वाले संयुग्मजी प्राणी से संकरण हो तो F1 संतति में परस्पर संकरण द्वारा 12 प्राणी प्राप्त हो तो उसमें सफेद नेत्रों वाले प्राणियों की संख्या होगी, तो इसमें कितना होगी? 3 होगी। कौन सा रोग लिंग सहलग्न रोग है? तो हीमोफीलिया लिंग सहलग्न रोग है। पुनर्योग से DNA प्रवृद्धि के औजार क्या हैं? तो देखिए रेस्टिकेशन एंजाइम है, क्लोनिंग वेक्टर्स हैं और कंपोनेंट हॉर्स, ये सभी हैं, तो यानी कि उपरोक्त सभी। भारत सरकार द्वारा गठित अनुवांशिक जो अनुवांशित रूपांतर जीएम अनुसंधान की वैधता एवं अनुवांशित रूपांतर जीवों के जन उपयोग के प्रति सुरक्षा से संबंधित निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत है, तो ये कौन से संस्था है? GEAC। नेक्स्ट है, प्राणी जो क्रम से असममिति, अरीय सममिति एवं द्विपार्श्व सममिति दर्शाते हैं, तो ये होंगे स्पॉन्ज, केकड़ा और तारा मछली। इसमें देखो दोनों जो ऑप्शन असममिति तो
स्पॉन्ज में, अरीय सममिति केकड़ा में, और द्वीपार सममिति मछली में। मनुष्य में कौन से समूह का प्लेसेंटा पाया जाता है? तो ये हीमोकोरियोलिया पशुपिम्बा। अब देखिए यहां से जू केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि जो बायोलॉजी के क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है। ये बीच में फिजिक्स के क्वेश्चन आ गए हैं इसमें। तो देखिए इसमें जो 91 क्वेश्चन है वहां से बायोलॉजी के क्वेश्चंस स्टार्ट है। तो देखिए जो 91 क्वेश्चन है कि जब किसी पादप की अंड कोशिका अथवा भ्रूण कोश को किसी अन्य कोशिका से बिना निषेचन के अगुणिक भ्रूण का परिवर्धन होता है, तो इस प्रकार की परिवर्धन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम जीनोथियोपसी, यानी कि अनावृत्ति असंग जनन। लिंगद में से कौन से शैवालों के जीवन चक्र में गतिशील कोशिकाओं का अभाव पाया जाता है? तो जो रोडोफाइसी है उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको बंद गोभी जैसे स्तब्ध पादप में पुष्पन से पूर्व उत्स्फुटन करने हेतु कहा जाए तो आप कौन सा पादप वृद्धि नियामक का उपयोग करेंगे? तो इसके लिए हम जिब्रेलिन का उपयोग करेंगे। प्रकाशीय श्वसन संपन्न होता है, क्लोरोप्लास्ट और माइक्रोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, एक जो पेरोक्सीसोम है उसमें होता, तो ये ऑप्शन हमारा बेस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा। केचुए में वक्रवन क्या है? देखिए इसमें जो क्लाई टेलर खंडों में उपस्थित अध्यावरणी उत्सर्जी काएं हैं। विभिन्न जातियों के वे अंग जो समान उत्पत्ति में समान होते हैं परंतु भिन्न कार्य संपादित करते हैं क्या कहलाते हैं? समजात अंग कहलाते हैं। किस समूह के लक्षण सभी कशेरुकीय जीवन चक्र में किसी न किसी अवस्था में पाए जाते हैं? तो देखिए ये है पृष्ठरज्जु, ग्रसनी, क्लोम छिद्र, पृष्ठीय नालावत, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरक रंध्र पाया जाता है तो ये गैस्ट्रुला में अध्यांत का छिद्र है। जीवाणुभोजी द्वारा एक जीवाणु कोशिका से दूसरी कोशिका तक डीएनए का रूपांतरण कहलाता है, ट्रांसड्यूशन कहलाता है ये पारक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से किण्वन से भारतीय दही प्राप्त होता है तो ये है लैक्टोबैसिलस व स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणुओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक अत्रीय गुणसूत्रीय स्वतंत्र रूप से प्रतिकृतिकरण करने वाला वर्तुलकार डीएनए है? तो ये है प्लाज्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो लिस्ट ए से सेकंड को मैच करना है तो देखिए कुछ हमारे पास इसमें रोग हैं और इधर सूक्ष्म जीवी हैं। तो देखिए डिप्थीरिया है, ये होता है कोरेनी बैक्टीरियम से। वूफिंग कफ ये होता है बोर्डिटेला से। चिकन पॉक्स होता है वेरिसेला जोस्टर जो वायरस होता है उससे। फोर्थ है मीजल्स होता है रूबियोला वायरस से। और न्यूमोनिक प्लेग ये होता है यर्सीनिया से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकरण के पश्चात शरीर बनाता है
एंटीबॉडीज जीवाणु के संवर्धन से उत्पादित प्रथम हार्मोन है। तो देखिए जीवाणु के संवर्धन से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस किया गया था, इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्योगस्थ डीएनए प्रवर्धी की प्रक्रिया के चरण हैं। तो देखिए अनुवांशिक पदार्थों का प्रकरण ये भी है और डीएनए का विशिष्ट खंडों पर विघटन ये भी है, इच्छित जीन का प्रवर्धन भी है। इसमें स्टेप बाय स्टेप पूछा है कि पहला कौन सा होगा, तो पहला ठीक है, फिर सेकंड ठीक है, थर्ड भी ठीक है, फोर्थ भी ठीक है। हाँ ये क्रम सही है सारे के सारे, तो ये ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिबंध अंतर न्यूक्लियोजों का अनुवांशिक अभियांत्रिकी में व्यापक उपयोग किया जाता है क्योंकि ये डीएनए को विशिष्ट क्षार स्थलों से विखंडित कर देते हैं। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छित जीनों के पात्र प्रवर्धन की सर्वाधिक प्रभावी विधि है। तो देखिए पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यानी कि पीसीआर ये सर्वाधिक प्रभावी विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EC0R1 क्या है? तो ये क्वेश्चन हमारा डिलीट हो गया था। डोली नामक भेड़ बनाई गई थी, तो ये केंद्रक के प्रत्यारोपण से बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम लाइसेस निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है। तो ये एक तो जो द्विबंध पर अणुओं के योग के लिए और एक समूह के विलोपन के द्विबंध उत्पन्न करने के लिए, यानी कि फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। सभी लिपिडों के जल अपघटन से उत्पादित होता है। तो देखिए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल ये उत्पादित होते हैं। कौन सा आवश्यक एमिनो एसिड नहीं है? तो देखिए वैलिन आवश्यक है, ल्यूसीन आवश्यक है और आइसोल्यूसीन भी आवश्यक है, तो जो एलिनीन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, तो ये इतने ही क्वेश्चन थे जो बायोलॉजी सेकंड ग्रेड का पेपर था 2013 वाला, उसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।